इस समय दुनिया कोरोना महामारी से जबरदस्त जूझ रही है और कोरोना के बीच एक और खबर ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। यह खबर है ब्यूबोनिक प्लेग की। अभी हाल ही में मंगोलिया में 15 साल की एक लड़की की ब्यूबोनिक प्लेग से मौत हो गई। एक वायरल पोस्ट में जबरदस्त दावा किया जा रहा है कि WHO के अनुसार ब्यूबोनिक प्लेग चीन से शुरू हुआ है और ये दुनिया में महामारी का रूप ले सकता है। इस पोस्ट में कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDC के अनुसार ब्यूबोनिक प्लेग हवा में फैलने वाला एक रोग है और ये खांसी के दौरान बाहर निकलने वाले ड्रॉपलेट्स के जरिए फैल सकता है। वायरल पोस्ट में गंभीर संक्रमण वाले मानव शरीर की भी तस्वीर है। दावा किया जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति में ब्यूबोनिक प्लेग का संक्रमण हो जाए तो उसका शरीर ऐसा ही हो जाता है। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम की टीम ने इस वायरल पोस्ट का बहुत अच्छी तरह से निरीक्षण किया, जांच पड़ताल की। हमने ये पाया कि किया जा रहा दावा पूरी तरह से भ्रामक है। WHO ने हाल ही में ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में जानकारी दी और ये कहा कि उत्तरी इनर मंगोलिया के कुछ हिस्सों में ये प्लेग बुरी तरह से फैला है और WHO इस पर गौर बनाए हुए है, पूरी तरह से निगरानी कर रहा है। ये कोई बेहद खतरनाक बीमारी नहीं, यानी कि इसमें हाई रिस्क नहीं है। वायरल पोस्ट में जिस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है वो मोम की प्रतिमा है जो ब्यूबोनिक प्लेग का संक्रमण दर्शाने के लिए बनाई गई है। हमने पाया कि ये तस्वीर एक वेबसाइट से ली गई है। प्लेग के आमतौर पर दो रूप होते हैं, ब्यूबोनिक और न्यूमोनिक। ब्यूबोनिक जो है वो इस बीमारी का सबसे आम रूप है। ये एक संक्रमित मक्खी के काटने से इंसानों और जानवरों में फैलता है। WHO के अनुसार 14वीं शताब्दी में इसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता था क्योंकि इस रोग के चलते करीब 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। प्लेग बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक इलाज काफी प्रभावशाली है, इसलिए अगर समय से इस रोग का पता चल जाए तो इलाज शुरू हो जाए तो मरीज को बचाया जा सकता है। BBC और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने 7 जुलाई को खबरें छापी जिनके अनुसार WHO चीन के इनर मंगोलिया क्षेत्र में सामने आए ब्यूबोनिक प्लेग के केस की अच्छी तरह से निगरानी कर रहा है लेकिन इस बीमारी में ज्यादा खतरा नहीं है। खबरों के अनुसार WHO की प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस ने कहा, ब्यूबोनिक प्लेग सदियों से हमारे साथ रहा है और अब भी हमारे साथ है। हम चीन में केसों की संख्या पर गौर कर रहे हैं, इसे अच्छी तरह से संभाला जा रहा है। वायरल पोस्ट के एक और हिस्से में कहा गया, अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल के अनुसार ब्यूबोनिक प्लेग हवा के जरिए फैलता है और एक संक्रमित व्यक्ति को खांसी होने पर यह दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। लेकिन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDC की वेबसाइट के अनुसार ब्यूबोनिक प्लेग आमतौर पर संक्रमित पिस्सुओं के काटने से होता है। CDC का कहना है कि इस बीमारी का सबसे गंभीर जो रोग है वो न्यूमोनिक प्लेग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, यानी कि ड्रॉपलेट्स के जरिए एक दूसरे में प्रवेश करता है। CDC का कहना है कि प्लेग बीमारी का सबसे गंभीर रूप न्यूमोनिक प्लेग है। हालांकि प्लेग का सबसे खतरनाक रूप है न्यूमोनिक प्लेग जिसमें कफ के ड्रॉपलेट्स के जरिए संक्रमण हो सकता है। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम की टीम ने इस वायरल पोस्ट की बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल की। हमारी टीम ने अपनी जांच में ये पाया कि ये दावा भ्रामक है। ब्यूबोनिक प्लेग एक खतरनाक बीमारी नहीं है। WHO ने भी कहा है कि ये महामारी का रूप नहीं ले सकती और CDC ने भी कहा है कि ये खांसी या ड्रॉपलेट्स के जरिए एक दूसरे इंसान में नहीं फैलता।